टका परिणाम जाहिर करवामां आव्युं छे। आ परिणामने लईने विद्यार्थीओ तेमज शाळा संचालकોએ વધાવ્યું હતું ત્યારે સીબીએસઈ ધોરણ 12માં 99.67% વિદ્યાર્થીનીઓ પાસ થઈ ગઈ છે, ત્યારે સીબીએસઈ ધોરણ 12માં 99.13% વિદ્યાર્થીઓ પાસ થતા નજરે પડ્યા છે। આમ ધોરણ 12 સીબીએસઈ દ્વારા રિઝલ્ટ જાહેર કરવામાં આવ્યું છે। सीबीएसई बोर्डनु परिणाम आ चूक्यू है, तमे जोई शको छो मारी पाछळ के अत्यारे सामान्य अने विज्ञान प्रवाहनुं बन्नेनुं रिजल्ट आ चूक्यू छे। विद्यार्थीओना मोढा पर एक स्मित जोवा मळे छे। चोक्कस कही शकाय के कोरोना काळ दरमियान जे प्रमाणे रिजल्ट ने कारणे मास प्रमोशन आपवामां आव्युं हतुं, आपणे सीधा विद्यार्थीओ साथे वात करवानो प्रयत्न करीशुं। बेन, शुं नाम छे तमारुं? अनन्या दुबे। अनन्याजी, क्या रिजल्ट आया आपका, कौन से स्ट्रीम में थे आप? मैं साइंस में बायोलॉजी स्ट्रीम में थी, मैं 92% आए हैं। एंड आई वुड लाइक टू थैंक द होल स्कूल, टीचर्स, प्रिंसिपल, एवरीबॉडी फॉर देयर काइंड सपोर्ट इवन इन दिस डिफिकल्ट टाइम्स। दे हैव हेल्प्ड अस थ्रू आउट द ईयर फॉर एवरीथिंग विच वी नीड इन इवन इन द ऑनलाइन क्लासेस, फॉर द प्रैक्टिकल एग्जाम्स, द फिजिकल प्रैक्टिकल एग्जाम्स, एवरीथिंग। दे हैव हेल्प्ड अस अ लॉट। क्या नाम है आपका, आपका क्या रिजल्ट है? मेरा नाम सोनारिका सेन है और मुझे 96.6% आया है साइंस स्ट्रीम में। मैं सभी टीचर्स का तहे दिल से थैंक यू कहना चाहूँगी, बिकॉज दे हैव हेल्प्ड अ लॉट थ्रू द ऑनलाइन क्लासेस, थ्रू द ऑनलाइन टेस्ट। हमारे ऑफलाइन टेस्ट भी हुए थे, प्रैक्टिकल्स हुए थे, सो आई वुड लाइक टू थैंक देम ऑल। क्या नाम है आपका, रिजल्ट क्या है? मेरा नाम केवल है और मुझे 90% आया है मैथ स्ट्रीम में और मैं सारे टीचर्स को बहुत थैंक्स करना चाहूँगी। क्रेडिट कैन बी डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फॉर टीचर्स एंड फॉर पेरेंट्स, बोथ हैव सपोर्टेड अस सो वेल। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशिक चक्रवर्ती है, मैंने बायो विथ मैथ स्ट्रीम लिया है, मुझे 97.5% आया रिजल्ट्स। आई एम सो हैप्पी विथ माई रिजल्ट्स एंड ऑल द क्रेडिट्स गोज टू टीचर्स ओनली बिकॉज ऑफ देयर हार्डवर्क। जी, क्या नाम है आपका? हर्ष। 95% आया मेरा एंड मैं BBA लूंगा आगे, सो उसके लिए बस आई एम वेरी हैप्पी विद द रिजल्ट। सो जी, ચોક્કસ તો જે પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો કે 12 સીબીએસઈનું બોર્ડનું રિઝલ્ટ આવી ચૂક્યું છે અને વિદ્યાર્થીઓ પણ એક ચહેરા પર સ્મિત જોવા મળ્યું છે, પરંતુ ચોક્કસ કે જે કોરોના કાળમાં જે પ્રમાણે સરકારે પણ જે નિયમો નક્કી કર્યા હતા તેના આધારે રિઝલ્ટ આપવામાં આવ્યું છે, પરંતુ ચોક્કસ કહી શકાય કે આવતા વર્ષે આશા રાખે કે તમામ સ્કૂલો અને કોલેજો પણ આ વર્ષે ખુલી જાય દિવાળી પછી, તો તમામ વિદ્યાર્થીઓ છે સારી રીતે ભણી શકે। કેમેરા બટ્ટી ડાકર સાથે મધીસ રાઠોડ, નિર્માણ ન્યૂઝ। સમાચારોમાં હાલ સમય થયો છે એક નાનકડા વિરામનો।